रस्ते च मदीना तैयबा दे बाजार अंदर एक बाग आया। बाग दे अगे एक बंदा बच्चा बंदे दे कोल एक कुत्ता बैठा है। कुत्ते दे कोल जनाब आला बंदा रोटी खा रहा है। एक बुरकी आप खा रहा वे एक कुत्ते दे मुंह च पा रहा है। एक बुरकी आप खा रहा वे एक कुत्ते दे मुंह च। मैं आखिरी गल्ला ते तबाह करांगा मैं इजाजत चाहांगा जरा लफ्ज़ सुनने वाला जरा ध्यान दे नाल आखिरी बातां ने पल्ले बन के इजाजत चाहांगा मैं तेनू सुना के इजाजत चाहांगा। नन्ने नन्ने उहनां दे बच्चे आ रहे ने नन्ने नन्ने शहज़ादे आ रहे ने उधर नबी दे नवासे दा बात सुना के इजाजत चाहांगा। हज़रत इमाम हसन दा शान भी बयान कर इमाम हुसैन दा भी शान बयान कर। तुहानू कलमा पढ़ा के पुछण लगा है सारे मौलवी ते जाकर हुसैन दा शान बयान करदे ने मेरे चन्ना इमामे हसन दा भी शान बयान करया कर। इमामे हसन अलैहि सलाम वो ने जिन्हों नबी करीम ने फरमाया मेरे हसन दा चेहरा नाना रसूल जैसा वे। एथे मैं जुमला कहांगा मां ने कोई नहीं जमिया जड़ा कवे नबी फलाने जैसा वे। पर दो हस्तियां ने एक दा नाम हसन एक दा नाम हुसैन जिन्हां नूं सारा जग कहिंदा है हसन नाने वर्गा वे हुसैन नाने वर्गा है। वाली तेरे बच्चों की शान तो कुर्बान जावा शान हुसैन और नाना हुसैन जना के इजाजत चाहवागा। अगले साल इंशाल्लाह असी ये पक्की कर दीती है वाकया करबला बयान करांगे और पूरा बयान करांगे। आज मैं वादा किया शान हुसैन और नाना हुसैन सुनानी है बिच मैं शान खुदा भी सुना दीती है। मैं चाहना वे जिन्हें शान दिता वो भी शान बयान हो जिन्हें शान दिता वो भी जेड़े चाहते ने अल्लाह की शान भी बयान हुए हाथ खड़े करो। मैं सदके जावा आई सलूट यू कहना या अल्लाह इन्हां दियां झोलियां भर दे अल्लाह जेड़े जेड़े इरादे लैके आए ने पूरे कर दे। इमामे हसन ने वेख्या ना एक बुरकी अपने मुँह च पा रहा है एक कुत्ते दे मुँह च पा रहा वे। नवासा रसूल ने पूछा एक रोटी आप खा गया वे एक रोटी इहनू खिला गया वे आखिर वजह क्या वे। कहिंदे ने जनाब आला मैं इन्हां दी जात दा गुलाम ही मैं जर खरीद गुलाम ही मैं मदीने दे बाग दा नौकर हाँ मैं इस बाग दा जर खरीद गुलाम ही मेरा काम सिर्फ पानी देना वे। मैनू दो रोटियां मिलदियां ने एक रोटी मैं इहनू खिला देना वे एक रोटी आप खा लेना वे। अर्ज करना चाह रहा जरा लफ्ज़ सुनन वाला है एक रोटी मैं आप खा लेना एक रोटी इहनू खिला देना वे। हुण जरा तवज्जो रखो बेटा खत्म होने वाली बात ते आ जाओ बैठ जाओ लाइट जलाने की कोई जरूरत नहीं सिर्फ दो मिनट बैठ जाओ मैं वाकया सुनाना। ओए अनस बेटा तू इन्नी लेट आया वे तेनू ते चाहिए सी तू सब तो पहले आंदा हो तू मुफ्ती साहब का रिश्तेदार भी है तू इन्नी देर दा आया है ते तेनू हुण लगे इत्थे बह मुफ्ती साहब को आन के ये मुफ्ती साहब का रिश्तेदार है ते जिहड़ा मुफ्ती साहब का रिश्तेदार है वह मेरा भी रिश्तेदार है। नहीं जानते तुसी लिया गो भुख लग गई है मुफ्ती साहब आंदे ने जाया देना मौलवी जी एक भी जावे ते तुसी मैनू फड़ लिया जे बस लियाया जे इन्हां दे हुंदिआं ये ना हुण जुत्ती पा के बाहर हुण ते तुसी आगो बैठो 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 हाँ कोई नहीं यह तिने बैठे जे लफ्ज़ सुनन वाला है इजाजत चाहवागा। इमामे हसन भी बैठे हुसैन भी बैठे ने मिल के प्यार नजरा सुनिया जे मदीना तई बाई इमामे हसन जा रहे बेटा बैठ जाओ गड़बड़ ना करो ए पुत्रो बैठ जाओ। कसम इन्हां दी कान च जाना तक टिक दे नहीं गया कभी अंदर कभी बाहर हुण तुसी आया जे अंदर जिहड़े वाले इमामे हसन की शान है मैं बड़ा मैं कौड़ा भी बढ़ावें मिठा भी बढ़ावें मैं ध्यान ना गल समझाऊं दादी है एक रोटी इमाम ने खाधी है एक रोटी कुत्ते ने खा लिए। भाई अख्तर वाकया बड़ा दिलचस्प है इमामे हसन ने पूछा वे भाई तेरा इस कुत्ते ना की रिश्ता है। कहिंदे जी जात दा कुत्ता है गुल्लर सी मेरे कोल बह जांदा सी मैं एक रोटी तरस खा के इहनू खिला देना वी एक रोटी आप खा लैना वी मैं सोचदा वी दो भी खा लियां ते ओहो जियां ने एक भी खा ली ते ओहो जी है। इमामे हसन दियां अक्खां चों आंसू आवे कहिंदे बाग दे मालक नूं बुलाओ जदों बाग दा मालक आया वे कहिंदे ने जनाबे आला बाग वेचना वी
ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਚਣਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵੇਚਣਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਦਾ ਵੇਚਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਬਾਗ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਵੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੌਕਰ ਵੇਚਣਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਚਣਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵੇਚਣਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਦਾ ਵੇਚਣਾ ਵੀ ਬਾਗ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਨੌਕਰ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਵੇ ਇਮਾਮੇ ਹਸਨ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੀ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਨਵਾਸਾ ਰਸੂਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੀ ਬਾਗ ਦਾ ਨੌਕਰ ਬੈਠਾ ਆਇਆ ਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਗ ਦਿਆ ਨੌਕਰਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਗ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆਟ ਕੀਤਾ ਬਾਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੌਕਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਆਂਸੂ ਆਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਗੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਇਹਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਤੇ ਬਾਗ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੀ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਆਂਸੂ ਆਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹੋ ਕੇ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਖਾ ਰਿਹਾ ਵੇ ਮੈਂ ਜੰਨਤ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖਾਵਾਂ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਵਾਕਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਨਬੀ ਦਾ ਨਵਾਸਾ ਵੇ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਖਾਧਾ ਏ ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਉਹਨੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਖਾ ਕੇ ਬਾਗ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਲਾਟ